दोस्तों नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और मैं वेलकम करता हूं एक बार फिर से आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों नीट एग्ज़ाम 2023 यानी नीट 2023 एग्ज़ाम कब होगा, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या है एज लिमिट, बहुत से बच्चों के सवाल हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इसी सवाल का आपको आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं नीट की जो बेसिक चीज़ें हैं। देखिए नीट एग्ज़ाम में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको 90 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है फोन नंबर का, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं आपको फोन नंबर मिलते हैं, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका एक नंबर कट हो जाता है एग्ज़ाम में। अब एनटीए आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा देता है। ये तो बेसिक कहानी है नीट एग्ज़ाम की। सवाल ये आता है कि नीट एग्ज़ाम कब होगा और नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, साथ ही साथ नीट की एज लिमिट को लेकर। देखिए नीट की जो लोअर एज लिमिट है वो है 17 ईयर, यानी कोई भी बच्चा जो 17 ईयर का हो चुका है और उसने 10+2 को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस स्ट्रीम से क्वालिफाई कर लिया है तो वो नीट एग्जाम दे सकता है, ठीक है। अपर एज लिमिट को नीट एग्जाम से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। बात आती है सर नीट एग्जाम कब होगा। देखिए अभी नीट 2022 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। आप ये मान लीजिए कि जनवरी के महीने तक आपके नीट का फॉर्म रिलीज हो सकता है, और जैसे कि कोविड से पहले जो होता था कि आपका एग्ज़ाम जो है जून के फर्स्ट वीक में हो सकता है, तो वही इस बार भी संभावना है। एग्ज़ाम का आप मान के चलिए कि जून के फर्स्ट वीक में 2-3-4 किसी भी डेट में हो सकता है। अभी आप सितंबर के लास्ट वीक में हैं, यानी आपके पास प्रॉपर टाइम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रॉक्सीमेट 8 मंथ हैं। ये 8 वो मंथ हैं जो डिसाइडर हैं, जो डिसाइड करेंगे कि आपको MBBS मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तक आपने कितना पढ़ा डजंट मैटर, अगर इन 8 मंथ्स में आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको MBBS मिल जाएगा। कैसे पढ़ना है एक बार फिर से सुन लीजिए। NCERT की बुक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्लास फर्स्ट ईयर से आपके नीट एग्ज़ाम में लगभग 40-45% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं पर क्लास 12th से आपके जो है लगभग 50-55% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको क्लास फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। जब आपका एक टॉपिक मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उस चैप्टर से कम 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आप जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, फिर उसके करके नेक्स्ट चैप्टर पे, और आप सभी को पता है कि नीट का सिलेबस जो है वो आपके NCERT का ही है, तो NCERT के चैप्टर से आप पढ़ते रहें और अच्छे से रिवीजन करते रहें। टारगेट बनाइए कि फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक तक आपका जो है कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट ईयर और 12th का कंप्लीट हो जाए, देन आप जो है मार्च पूरा महीना रिविजन करिए, अप्रैल मई ठीक है 2 महीने जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जून में सिलेक्शन सिक्योर करिए। तो ये था आप बेसिक आइडिया जो मैंने आपको बताया नीट एग्जाम को लेकर। अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।